ni Kamayang Naismi. Tisri sabsi bali nai siksha dedi. Lagu di gayi hai. अब से पहले दो शिक्षा नीति 1968 और 1986 में लाया गया था। इस बार की जो नई शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लाया गया है। इसमें ढेर सारी संभावनाएं युवाओं के विकास के लिए लाया गया है। ये हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है। रांची विश्वविद्यालय ने इस एनएबी 20 को 2022 में लागू किया और 2023 में एक रिवाइज्ड एनएबी 2023 लाया गया। ये एनईपी को लागू करने की जो विश्वविद्यालय में श्रेय जाता है आपको जानकर काफी खुशी होगी कि हमारे विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति जिसने लागू करने में अहम भूमिका अदा किया है। पूरी सिलेबस को तैयार करने में करवाने में जो अहम भूमिका तैयार किया है वो आपके बीच उपस्थित है। यही डॉक्टर राजकुमार सिंह और डॉक्टर नीरज ने पूरी शिक्षा नीति को पूरे विश्वविद्यालय में लागू करने में अहम भूमिका निभाया है। आज हम उनको सामने से सुनेंगे और क्या शिक्षा नीति में मूलभूत बातें हैं उनसे जानेंगे कि क्या है उस शिक्षा नीति में। हमारा महाविद्यालय 2022 में भी नई शिक्षा नीति को बहुत ही गंभीरता से लागू किया। बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों को देखते हुए बिना किसी गलती किए हमारे शिक्षकों ने लागू किया। मैं अपने शिक्षकों पर भी काफी गौरव करता हूँ कि वे हर चीज को बहुत गंभीरता से अपने सिलेबस को लागू किया, किसी भी प्रकार का गलती नहीं होने दिया। फिर जो 2023 का जो रिवाइज सिलेबस आया है उसकी भी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं इसी कड़ी में हमारे जो दो शिक्षाविद आए हैं ये आप समझ सकते हैं कि ये जो दोनों टीचर हैं ये इसी महाविद्यालय के केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर थे और इनके डायनेमिक वर्क के कारण ही विश्वविद्यालय ने इन्हें यहाँ से ले जाकर के विश्वविद्यालय में ट्रांसफर किया है। ये इनके डायनेमिक कार्य का उदाहरण है। तो आज हम इन्हीं टीचर को सुनेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद आप सबों को। हम बिना किसी देर किए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर हमारे अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हमारा जो प्रसारित हो रहा है इस कार्यक्रम को अब हम उनकी अनुमति से आगे बढ़ाते हुए मैं वर्तमान आईपीओसी कोऑर्डिनेटर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कोषांग की समन्वयक डॉक्टर स्मिता किरण मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे आए और आज के कार्यक्रम को एक दिशा दें इंट्रोडक्टरी नोट के रूप में। प्लीज मैम। महाविद्यालय के सी वी रमन हॉल में
सीवी रमन हॉल में उपस्थित और बंचा सिंह महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर केपी सिंह, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर नीरज, डॉक्टर राजकुमार सिंह, मृदुला मैम, खालिक सर, विजय सर, अन्य उपस्थित सभी शिक्षक और उपस्थित विद्यार्थियों, मैं महाविद्यालय की आईपीएससी की तरफ से आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कोषांग की ओर से सर्वप्रथम सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जानने सुनने के लिए, इसका लक्ष्य ही है भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, सुप्रीम पावर बनाना, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना भारत को। और इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत कम शब्दों में उनको आपके सामने रखना चाहूंगी। इसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों तक सार्वभौमिक पहल को सुनिश्चित करने की बात की गई है, अंतर अनुशासनात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है, छात्रों को बहुभाषी होने देने के लिए ये प्रयास है, मातृभाषा में स्थानीय भाषा में शिक्षा की बात है। तो इसका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई गई है, इसका जो केंद्र बिंदु है वह है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। आप बच्चे अभी अपने सिलेबस में देख पाएंगे या देख पा रहे हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज की बात है, अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ने की बात है। तो ये नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको बहुविषयक बनाने के लिए, आपकी समग्र शिक्षा पर जोर देने के लिए ये सारी बातें लाई गई। उसके बारे में हम अपने अतिथि वक्ताओं से सुनेंगे ही। उसके पहले मैं कुछ और जानकारी जो महाविद्यालय से संबंधित है वह अपने विद्यार्थियों को देना चाहूंगी, क्योंकि ये नए सत्र के विद्यार्थी हैं और हमारे महाविद्यालय को आप लोगों ने चुना है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ग्रेजुएशन के लिए। और अगले 3 साल 4 साल जब तक आप हमारे साथ हैं, तब तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम आपस में एक दूसरे से सीखेंगे, आप हमसे, आपसे हम। महाविद्यालय की कुछ बातें आपको जानना आवश्यक है। तो जैसे ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि आईपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज है, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कोषांग के द्वारा, और इसी तरह से महाविद्यालय के प्रशासन को सफल रूप से संचालित करने के लिए बहुत सारी कमिटीज जो महाविद्यालय में कार्यरत है उनके बारे में अपने विद्यार्थियों को बहुत कम शब्दों में बताना चाहूंगी। अभी जैसे आप YouTube से कनेक्ट होकर के चीजों को देख पा रहे हैं, इसी तरह से महाविद्यालय का जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपके लिए जानकारियां उपलब्ध हैं। और जो विभिन्न कमेटियां हैं उनमें कुछ समितियां जो आपके लिए काम की है या आपके लिए आप उनको अपने लिए लागू कर सकते हैं या देख सकते हैं, उनमें अनुशासन समिति के अलावा लाइब्रेरी समिति है, WGRC है, विमेंस रिवार्ड्स रिप्रेसल सेल, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC, जिसके तहत आप विद्यार्थी अपनी कोई भी शिकायत, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसकी शिकायत महाविद्यालय के ICC कोषांग में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कर सकते हैं। महिला शिकायत निवारण कोषांग है, उसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं अगर ऐसा लगता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हर क्लास में होंगे, और ये अभी आपने क्लास शुरू किया है, आपके क्लास में
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने जाएंगे, आप अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, प्रतिनिधियों को चुनेंगे। स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए या कल्चर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी समितियां हैं, आपको समय समय पर उसकी जानकारियाँ आपके उपलब्ध कराई जाएंगी सूचना के तौर पर। तो ये सारी बातें आप विद्यार्थियों को जाननी चाहिए कि महाविद्यालय में क्या क्या सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, और ये सारी चीजें आप अपने महाविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, उसको उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज हम आए हैं यहाँ पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डिस्कस करने के लिए, तो अगले वक्ताओं के लिए मैं ये माइक छोड़ रही हूँ और अपने वक्तव्य से यही समाप्त करूंगी। पुनः सभी वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी का भी हार्दिक स्वागत। जैसा कि मैडम ने आपको बताया आप विद्यार्थियों को कि हमारे बहुत सारे और भी समितियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दी जानी है। ये प्रारंभिक दौर है जब हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके साथ आईक्यूएससी के एक कार्यक्रम के माध्यम से। आगे ये बताते हुए खुशी होती है कि और भी जो हमारे दूसरी समितियां हैं वो अपना कार्यक्रम करेंगी और आपका ओरिएंटेशन होगा। मैडम ने आपको बताया है अभी कि हमारे बीच एक इंटरैक्टिव शेयर भी है, तो अगर आपके महाविद्यालय परिसर में आपके साथ किसी भी प्रकार का अभद्रपूर्ण व्यवहार हो तो आप इंटरैक्टिव शेयर को भी अपनी बात कह सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ सर्वप्रथम अपने कलीग डॉक्टर नीरज सर से कि वे आए और एनईपी के रिवाइज सिलेबस जो रांची यूनिवर्सिटी में अभी लागू हो चुका है 2023 पर अपना जो पीपीटी और अपनी जो बातें वो कहना चाहते हैं सिलेबस से संबंधित वो सब बातें वे आपसे शेयर करें, और आपका आपकी जितनी भी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं मुझे उम्मीद है कि उनके इस वक्तव्य से जरूर शांत होंगी। डॉक्टर नीरज मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आग्रह करती हूँ कि मंजासीन सभी शिक्षक सामने की ओर चले जाएंगे ताकि सर का जो पीपीटी होगा उसको हम लोग देख सकें। उसकी जानकारी हासिल करें,
सर्वाइविदल सिस्टम उस व्यवस्था में अपने आप को पहले स्थापित करें, बाहर रहकर आप बदलाव नहीं ला सकते। Establish ourselves in a system, खुद को और खुद जैसों को उस व्यवस्था का एक अंग बना दिया, and then finally change the system if required। तब तक आपकी समझ में इतनी बातें आ जाएंगी, कहां कहां वो व्यवस्था बदली जा सकती है, बदल जानी चाहिए और वो दबाव बदल सकते। इसी मंच से एक दिन हम लोगों ने अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करने की इच्छा जताई। हम सभी शिक्षक यहाँ शुरुआत किए थे एक नए अंदाज, एक नए मुकाम का, और वो आज हासिल हो रहा है। सिर्फ रामलखन सिंह यादव कॉलेज ही नहीं, अभी तो रांची यूनिवर्सिटी और इसके समकक्ष झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सब में जो पठन पाठन की प्रक्रिया होगी उसकी आधारभूत संरचना की शुरुआत इसी रामलखन सिंह यादव कॉलेज में हुई, जो आज मूल रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के झारखंड के संस्करण के रूप में आपके सामने आ रहा है। चलिए हम अपनी बातों को एक छोटी सी सांकेतिक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। एक दिन एक पिता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा घर में एक गमला है और गमले में एक कुकून है, कुकून का नाम सुना आपने? कुकून एक जाली नुमा धागे का जैसा कुछ होता है जिसमें से एक कीड़ा सा निकलता है जिसको हम लार्वा कहते हैं, और वो समय के साथ पंखों वाली रंग बिरंगी तितली में बदल जाता है। तो उस पिता ने बच्चे से कहा कि घर के आंगन में जो गमले हैं, गमले में एक कुकून है और समय आने पर उस कुकून से एक रंग बिरंगी तितली निकलेगी। वो बच्चा हर दिन उस कुकून को देखता था। एक दिन उस कुकून से तितली बाहर आने लगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बाहर आ पाते। उस बच्चे ने उस रास्ते को, जिस रास्ते से वो कुकून से तितली से लार्वा बाहर आ रहा था, उस रास्ते को कैंची से काट कर थोड़ा सा बड़ा कर, जिससे कि वो कुकून से लार्वा आसानी से बाहर आ जाए। वो लार्वा बाहर आया, परंतु उसके पंख अर्ध विकसित थे, और जब वो तितली का रूप धारण किया तो वो तितली का पंख विकसित नहीं था और वो तितली उड़ नहीं पाती। अपने 14 दिनों की जिंदगी में उस तितली ने कभी उड़ान नहीं भरा। उस बच्चे ने अपने पिता को वो तितली दिखाई और पूछा कि पिता, मैंने तो इसके मदद किए थे ये जल्दी बाहर आ जाए और रंग बिरंगे पंखों के साथ वो उड़े, लेकिन ये तो उड़ ही नहीं पाता। तो पिता ने पूछा, तुमने क्या मदद किया था उसको? उसने कहा कि मैंने उसके रास्ते को बड़ा कर दिया था जिससे कि वो आसानी से बाहर आ जाए। तो उसके पिता ने कहा, तुमने उसकी मदद नहीं की थी, तुमने उसके मदद के नाम पर जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। वो जो कुकून के रास्ते से वो लार्वा बाहर निकलता है तो उसके शरीर पर एक संकुचन होता है जिससे कि अंदर का जो द्रव्य होता है वो बाहर आ, और वही द्रव्य बाद में पंखों के रूप में विकसित होता है। तुमने उसके उस स्ट्रगल को उससे हटा दिया, तुमने उसको विकसित होने का जो मौका था वो छीन लिया, और तुमने उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया, और तुम उसे मदद करते हो।
हम अपने सारे शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को इस कहानी के किस पात्र के रूप में देखते हैं? क्या आप उस नादान बच्चे के जैसे मदद करेंगे? उम्मीद नहीं, और वह मदद सीधे सीधे परीक्षा में दिए अंकों के रूप में होगी। हो सकता है अगर आप उसको उसकी क्षमता से ज्यादा नंबर दे देते हैं और वह आसानी से पास करता है, तो वह ये इसी गुमान में रहता है कि मैं जानता हूं मेरे अच्छे नंबर, और कल के दिन वह कुछ भी सीखने से वंचित रह जाएगा और अपनी वास्तविक जिंदगी में एक सक्षम